एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब ये दोनों घूमने के लिए बाहर आती है। जब ये दोनों शांति से एक जगह पर बैठी होती है तो लव मौका देखकर रेन को किस कर लेती। तभी बारिश होने लगती तो ये दोनों जल्दी से भागते हुए सीधे रूम पर आती। रेन लव को टॉवल देती तो लव रेन को कहती है, क्या तुम मेरा हेयर ड्राई कर दोगी? तो यह सुनकर रेन खुद करने को कहती, बट लव रेन को टॉवल देते हुए पीछे घुट जाती तो रेन हेयर ड्राई करने लगती। जब लव का हो जाता है तो लव रेन को हेयर ड्राई करती। लव माफ़ी मांगती क्योंकि वो इस खराब मौसम में रेन को बाहर लेकर आई। तो यह सुनकर रेन इस तरह का सोचने को मना करती क्योंकि आज उसे काफ़ी अच्छा लगा। तो लव पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करने लगी? क्या मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में तुम्हें अच्छा लगा? तो रेन फाइनली एडमिट करती है कि वो लव को पसंद करती, बट अभी के लिए कुछ टाइम लेने को कहती और पूछती है, क्या तुम्हें धोखा ये सबसे डर नहीं लगता? तो ये सुनकर लव बताती, अगर वो दोनों साथ ना रहे, यही सोचकर लव को काफ़ी डर लगता और कोई चीज़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लव ज़्यादा ओवरथिंक ना करते हुए सिर्फ एक दूसरे को चूज करने को बात करती और ये सब कहते हुए लव रेन को किस करती। जैसे ही आगे का स्टेप लेने चलती है तो वैसे ही रेन से लव का कैमरा नीचे गिर जाता है, जिस वजह से रेन लव को दूर हटाते हुए अपना कैमरा चेक करने को कहती। तो लव ये सुनकर कहने लगती कि उसे जितना कैमरा का फिक्र नहीं है उतना ये चांस मिस करके अफसोस हुआ। लव डेटिंग के बारे में पूछती, क्या अब हम दोनों डेट कर सकते हैं? तो रेन हाँ कहती। तो लव रेन के साथ फिर से नोटी होने चलती है तो रेन लव को अब अपने रूम पर जाने को कहती। जैसे तैसे करके रेन लव को यहाँ से निकालती और खुद लव के बारे में सोचते हुए समथिंग फील करने लगती। नेक्स्ट डे इन दोनों के साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए देखते लव रेन से पूछती है, क्या तुम अपना कंपनी कब ज्वाइन करने वाली? तो कंपनी वाली बात सुनकर रेन थोड़ा अपसेट हो जाती तो लव इसे उदास देखकर माफ़ी मांगती और उस कंपनी में ना जाकर कहीं और जॉब करने को कहती, क्योंकि रेन जैसी टैलेंटेड लड़की को कोई भी जॉब दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो टैलेंट वाली बात सुनकर रेन कहने लगती, अगर मैं टैलेंटेड होती तो मुझे सस्पेंड नहीं किया जाता। तो यह सुनकर लव समझाती है कि हर कोई गलती किया करते, अगर हम अपनी गलती से कुछ ना सीखे तो ये गलती गुनाह हो जाती और यहाँ तक कि जब तक हम गलती ना करें तब तक हमें हमारी खुद की गलती समझ में नहीं आती और हर कोई गलती करके बड़े होते हैं। यानी कि साफ साफ लफ्जों में कहूँ तो हम अपनी गलती से सीखते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं ये हमारी गलती हमें अपनी ज़िंदगी की आने वाली वो रास्ते चूज करने में हेल्प करती है जिसे हम अपनी गलती से सीखते हैं। तो ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद घर जाने के लिए स्कूटी के पास आती। लव अचानक से ब्रीथिंग नहीं कर पा रही होती है तो रेन इसकी हालत को देखकर बिल्कुल घबरा जाती। अब क्या करना चाहिए उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो रेन जैसे एम्बुलेंस के पास कॉल करने चलती है तो लव मना करते हुए कहती कि एम्बुलेंस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए सिर्फ रेन काफ़ी है। और ये कहते हुए लव हैंड किस करते हुए मजाक बताती और ये कहते हुए ये दोनों वहाँ से निकलती। वहीं बोतन को शॉप में आते हुए देखते ये दोनों फिर से एक दूसरे को देखकर फेक स्माइल करने लगती। जब डीन वहाँ पर आती है तो बोतन डीन के लिए कुछ लाई होती और वो देकर वहाँ से चले जाती। डीन पैट के पास आकर फिर से फ्लर्ट करने लगती। तभी लव इन दोनों को इस तरह से देखकर पूछने लगती, तुम दोनों में क्या चल रहा? तो ये दोनों जस्ट नथिंग बताती। तभी वहाँ पर हम एक और लड़की को आते हुए देखते जो डीन के बेब कहते हुए अपने साथ चलने को कहती। पैट इसे देख कर लव से पूछने लगती कि ये कौन है। तो लव डीन का एक्स बताती। डीन पैट को शॉप बंद करके घर चले जाने को कहती। तो हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीन अपने 10 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती। ये लड़की जिसका नाम माई है वो डीन से ब्रेकअप कर लेती क्योंकि अब उसे कोई और पसंद आ गया। अपना 10 साल का रिश्ते को तोड़कर डीन को अकेला छोड़कर वो चले जाती। डीन को काफ़ी हार्ट ब्रेक होता। यही सब कुछ लव पैट को बताती। पैट ये सब सुनकर कहने लगती कि 10 साल ये काफ़ी लॉन्ग है, इतने साल किसी के साथ रहने के बाद उसे भुलाना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर कैसे क्या होगा? पैट का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है क्योंकि 10 साल वाली बात सुनकर सोचती है कि अब तो किसी भी हाल में कुछ नहीं हो सकता। चाहकर भी पैट माइक को कम्पीट नहीं कर सकती। तभी पैट के पास फादर का मैसेज आता। पैट को पता चलता है कि उसके फैमिली मेंबर वो सब ट्रिप पर जा रहे तो उसे आज अकेले रहना पड़ेगा और पैसे की ज़रूरत हो तो क्रेडिट कार्ड ये सब यूज़ करने को कहा जाता। लव ये मैसेज को देखकर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लव पैट को देखकर पूछने लगती क्या फादर थे? तो पैट हाँ कहती और बताती है सब ट्रिप पर गए तो हमेशा की तरह आज भी मैं घर पर अकेले रहूँगी। तो अकेले रहने वाली बात सुनकर लव हमेशा पैट के साइड रहने का बात करती। तभी लव के पास रेन का मैसेज आता तो लव माँ का बहाना करके घर जाने का बात करने लगती और यह कहते हुए वहाँ से चले जाती। नेक्स्ट डे हम डीन को देखते जो अपने पास्ट के बारे में याद कर रही होती।
पैट इसे देखकर उसके पास आती और पूछने लगती, क्या कुछ हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रही। तो डीन जस्ट नथिंग बताती। तो पैट डीन का बर्थडे के बारे में बात करने लगती। तो बर्थडे वाली बात सुनकर डीन पूछती, तुम्हें कैसे पता चला, कल मेरा बर्थडे है। तो पैट फेसबुक बताती है और बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए लव और डीन को भी इन्वाइट करने को कहती। पैट लव के पास कॉल करती। लव पैट का कॉल देखकर कहने लगती, अगर तुम्हें साथ में बाहर जाना है तो मैं फ्री नहीं, अगर कुछ काम है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, बट बाहर नहीं जा सकती। तो ये सब सुनकर पैट कहने लगती, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, डीन का बर्थडे है तो शॉप में सेलिब्रेट करने वाले, तो तुम आना। तो लव साथ में डीन को भी लाने का बात करती। तो जब लव बात कर लेती है तो डीन लव के पास आकर कौन था इस बारे में पूछने लगती। तो लव बताती कि कल डीन का बर्थडे है तो डीन को भी साथ में चलना होगा। तो डीन साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती और लव को ब्रेड खाने के लिए देती। तो यही से बर्थडे वाले दिन हम देखते हैं लव और डीन एक साथ शॉप में आती। ये दोनों लव और डीन को साथ में देखकर उसे हाथ पकड़ते हुए देखकर पूछने लगती कि तुम दोनों में क्या चल रहा। यहाँ पर पैट कुछ ज्यादा ही सवाल करने लगती तो डीन इसके माउथ को कवर करके इन दोनों से पूछने लगती। तो ये दोनों अपने रिलेशन के बारे में बता देती और हम पैट को देखते जो इन दोनों से सवाल करने के लिए छटपट आती। तो जैसे ही डीन छोड़ती है तो पैट पूछने लगती, तुम दोनों कब से डेट कर रहे, हमें इस बारे में क्यों नहीं पता चला, कहीं डीन पर लव ब्लैक मैजिक तो नहीं की। तो ब्लैक मैजिक वाली बात सुनकर लव कहने लगती, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, बल्कि ये खुद मेरा हार्ट को लेकर है। तो इस तरह का फ्लर्टिंग लाइन सुनकर ये सभी अब बस करने को कहती एंड देन ये सभी बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते। तभी वहाँ पर बोतन आती और वो डीन से हाय हेलो करने लगती। पैट और लव बोतन को देखकर अपने में ही गॉसिप करने लगती। डीन बोतन को देखकर हाय हेलो करती। डीन को पता चलता कि फन आम के साथ शादी करने वाली, जिसे सुनकर डीन काफ़ी सरप्राइज हो जाती। तभी फिर से डीन का एक्स वहाँ पर आती जो डीन के पास आकर डीन को बर्थडे विश करती और इस दिन इन दोनों का एनिवर्सरी भी था तो ये भी विश करती और ये दोनों अकेले बात करने के लिए वहाँ से चले जाती। बोतन माई को देखकर गुस्से में कहने लगती, ये फिर से क्यों आ गई, अब कुछ नहीं होने वाला। बोतन पैट से कहने लगती कि मुझसे अब नहीं हो सकता, मैं इस रेस से आउट होती हूँ, तुम्हें एक चांस की उम्मीद है तो तुम करो, मैं अब जा रही। ये कहते हुए बोतन वहाँ से चले जाती और ये तीनों ये सब सुनकर ये सब देखकर ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती कि इसे क्या हो गया। पैट अपना सरप्राइज रेडी करने लगती। जब डीन वहाँ पर आती है तो पैट डीन को सरप्राइज देते हुए अपना लव कन्फेस करती। तभी डीन के पास माई आती और डीन से अपने सवालों का आंसर जल्द से जल्द सोचकर बताने को कहती। तो डीन माई को यहीं पर रुकने को कहती, जिसका मतलब है कि डीन माई को एक्सेप्ट कर ली। ये सुनकर पैट डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चले जाती। लव ये सब देखकर डीन से कहने लगती, तुम पैट के साथ ऐसा कैसे कर सकती, तुम साफ साफ पैट को क्यों नहीं कह देती, अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती, इग्नोर करने की क्या जरूरत। तो ये सब सुनकर ना डीन खुद कन्फ्यूज हो जाती। यहाँ पर ना डीन खुद कन्फ्यूज है, उसके अपने फीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं हम पैट को देखते जो अपने घर पर आती। फादर के तरफ से छोड़ा हुआ नोट को हम देखते, फादर 2 हफ्तों के लिए काम से बाहर रहने वाले तो घर नहीं आ सकते। पैट ये सब देखकर और ज्यादा अपसेट हो जाती क्योंकि इस वक्त उसके पास कोई नहीं, पैट को सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट करने वाला कोई फैमिली नहीं। अपने आप को अकेला देखकर पैट कुछ ज्यादा ही अपसेट हो जाती। हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता जब पैट छोटी थी, तब स्टडी करने के बाद जब वो घर आई तो खुद को अकेला पाई। पैट फादर का नोट देखती है जो अर्जेंटली घर से कुछ दिन के लिए बाहर रहने वाले, जो कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक पैसे यूज करने का कहता। पैट ये सब देखकर फिर भी अपसेट हो जाती। बर्थडे वाले दिन भी वो अकेला रहती क्योंकि उसके फैमिली मेंबर सब बाहर है। तो जब पैट एब्रोड से थाईलैंड वापस आने वाली होती है तो वो फादर के पास कॉल करके एयरपोर्ट पर पिक करने को कहती, बट फादर अर्जेंट काम बताकर खुद घर आने को कहता। तो पैट लव के पास कॉल करके एयरपोर्ट आने को कहती। तो लव फादर के बारे में पूछती कि वो कहाँ पर है। तो हमेशा के तरह पैट खुद को अकेला बताते हुए कहती कि उनके पास कुछ काम आ गया तो वो नहीं आ सकते। तो ये सुनकर लव अपसेट होने को मना करती और पैट को पिक करने का बात करती। और एयरपोर्ट के बाद लव पैट को लेकर अपने फ्रेंड से मिलाने का बात करती जो और कोई नहीं डीन है। पैट डीन के प्रोफाइल को देखकर ही पसंद करने लगती और फाइनली थाईलैंड आने के बाद पैट डीन से मिलती। और यही सब याद करके डीन कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती और कहती है कि वो उस इंसान के पीछा क्यों कर रही जो उसके लिए फील नहीं करता, उसके होने से या ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैट अपने आप को ब्लेम करने लगती कि वो खुद अपने आप को हर्ट क्यों करती, सिर्फ अपने बारे में क्यों नहीं सोचती।
और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।